शादी करने के बाद कोई भी लड़की जो होती है वो लड़के के घर में जाकर के रहती है, लड़का लड़की के घर में आकर के नहीं रहता है। और अगर ऐसा होता भी है तो इस चीज के बारे में हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट सो कॉमन। आप लोग जो अपना सरनेम यूज करते होंगे, अपने डैडी का यूज करते होंगे, राइट? मैं भी अपने डैडी का ही सरनेम यूज करती हूँ। एंड जो अल्टीमेट पावर है कोई भी डिसीजन लेने का, वो लड़कों के पास ही होता है, लड़कियों के पास नहीं होता है। दिस इज नोन एज पेट्रियार्की। बट वॉट इज ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की? आखिर ये दोनों शब्दों में डिफरेंस क्या है, ये क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स गेट इन द वीडियो एंड टॉक अबाउट इट। जस्ट वॉन्ट टू टेक अ मोमेंट ऑफ योर्स। अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा नाम वहाँ पर साक्षी पटेल है, ठीक है? और अगर आप वहाँ पर मुझे फॉलो करते हैं तो दैट इज एब्सोल्युटली फ्री, और आपको फ्री में स्पेशल क्लासेस मिलेंगे जो कि काफ़ी इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होते हैं। आपको पोलिंग फीचर मिलेगा, लेक्चर और नोट्स भी मिलेंगे, और सबसे अच्छी ये बात है कि आप कभी भी और कहीं पर भी उन सेशंस को देख सकते हैं। एंड अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं साक्षी पी लाइव, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा, जिसमें आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ये कुछ मंथली फीस स्ट्रक्चर है, एंड 2 साल के, 12 महीने के, 6 महीने के, 1 महीने के सब मैंने यहाँ पर डाल दिए, तो आप इसको देख सकते हैं और वहाँ आराम से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। पेपर वन एज वेल। इंडिया में अलग अलग प्रकार के मजहब होते हैं, धर्म होते हैं, जातियाँ होती है, लोग होते हैं, एंड ऑल पीपल आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल। चाहे वो ब्राह्मण्स हो, चाहे वो क्षत्रियाज हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, सब अपने आप में बहुत कमाल है। सबके अपने अपने स्टाइल्स है, कल्चर है, फूड है, अलग अलग कपड़े पहनने का तरीका है। ऑल पीपल आर सच अ ब्यूटिफुल बींग। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि कई बार ये जो कास्टिज्म वाला माहौल है ये हमें इंडिया में देखने को मिलता है, और ऐसा ही नहीं कि इंडिया में देखने को मिलता है, ये हर कंट्री में है। अगर आप ये सोचेंगे कि एक इतने सारे लोग हैं, कि इतनी बड़ी सी कंट्री है और वहाँ पर लड़ाई ना हो, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। अगर बर्तन हैं तो खटकेंगे, राइट? ये वाला कॉन्सेप्ट हमने बहुत बारी सुना है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना के बारे में, जिसका नाम है ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पर मैं अपनी कोई राय नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मेरा इस पर कोई थॉट्स नहीं है। वट एवर उमा चक्रवर्ती जी ने बताया है ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की के ऊपर, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ को यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली हूँ। वाई? क्योंकि ये हमारे नेट का सिलेबस का पार्ट है, एज वेल एज UPSC के सिलेबस का पार्ट है। तो अगर आप लोग कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये मुद्दा आपको समझ जाना चाहिए, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोग को एक चीज़ बहुत ही स्ट्रेट बता देती हूँ कि यहाँ पर मेरे हिसाब से जितने भी लोग हैं काफ़ी ब्रॉड माइंडेड हैं, बिल्कुल भी नैरो माइंडेड नहीं है, हु डोंट बिलीव्स इन जातिवाद एंड कास्टिज्म एंड ये जो एंटी धर्म। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लड़ाई वगैरह मत कीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स टॉक अबाउट द ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। व्हाट इज दिस? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक होता है आपका ब्राह्मणिकल, दूसरा होता है पेट्रियार्की। अब ये दोनों ही अपने आप में बहुत ही खतरनाक शब्द है। वाई? क्योंकि ब्राह्मणिकल का मतलब ये होता है कि ब्राह्मण, अगर वर्णा सिस्टम में देखा जाए तो सबसे ऊपर कास्ट है, राइट? कि सबसे जो ऊंचे कास्ट है वो ब्राह्मण्स को माना जाता है। तो ब्राह्मणिकल मतलब ये हो जाता है कि ऐसे लोग जो कि चाहते हैं कि ये जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये चलता रहे हमारे समाज में, जिसके कारण उनकी जो सुपीरियॉरिटी है वो मेंटेन रहे, उसे ब्राह्मणिकल कहते हैं। एंड पेट्रियार्की का मतलब ये होता है एक ऐसा सोशल सिस्टम जो कि पूरे तरीके से आदमियों को पावर दिया हुआ है, औरतों को कंट्रोल करने के लिए, और पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए। दे आर द डोमिनेंट पीपल, उसे हम कहते हैं पेट्रियार्की। और अगर ये दोनों शब्दों को मिला दिया जाए तो अपने आप में बहुत ही खतरनाक शब्द बन जाते हैं, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। दैट मीन्स कि आप औरतों को 2 तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। पहला तरीका ये है कि उनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, औरतों के पास में सारी पावर मेल कैंडिडेट के पास है। दूसरा चीज़, आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं जातिवाद से, कि वो लोग सबसे, अगर कोई दलित वुमेन है तो एक तो दलित वुमेन है और ऊपर से वो पेट्रियार्की से कंट्रोल्ड है, तो वो सबसे नीचे कास्ट की हो गई एक तो, और दूसरा उसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है। तो इसको कहा जाता है ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। तो उमा चक्रवर्ती ने कह दिया कि औरतों को 2 तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एक तो पेट्रियार्की से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, दूसरा जातिवाद से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो इसके कारण से क्या हो रहा है कि जेंडर बायस तो हो ही रहा है, कास्ट सिस्टम से भी उसको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। दिस इज ओनली नोन एज ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की।
अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हुआ कुछ क्या था। हुआ कुछ ऐसा था कि राजकोट में एक 45 साल की महिला थी एंड वो पानी भर रही थी, ठीक है। तो वहीं पर एक आदमी आता है जो कि अपर कास्ट का था और उसे अपनी जो जीप है वो धोनी थी, ठीक है। तो जीप धोनी थी उन्हें, तो फिर जब उन्हें बोला कि मुझे धोने दो जीप वगैरह, तो बोलती हैं जो फीमेल थी 45 साल की, उन्होंने बोला कि आप अपना बारी का वेट करिए, ठीक है, क्योंकि आप बाद में आए हैं तो आप अपनी बारी का वेट कीजिए, एक बार मैं कर लेती हूँ उसके बाद आप आना यहाँ पर। तो उन्होंने उस औरत को झापड़ मार दिया ये कह करके कि एक तो तुम दलित हो और ऊपर से तुम एक औरत हो। दिस इज नोन एज ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, अंडरस्टूड? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ पेट्रियार्की एंड अ ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, कि आप उन्हें उनकी जाति का भी एहसास करा रहे हैं और दूसरा आप उन्हें अपने पावर का भी एहसास करा रहे हैं कि वी आर मेल कैंडिडेट्स। सो दिस इज सेड बाय उमा चक्रवर्ती इन 1993, उन्होंने ये टर्म को कॉइन किया है। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में कभी पूछा जाए कि ये किसका टर्मिनोलॉजी है, तो ऑफकोर्स दिस इज गिवन बाय उमा चक्रवर्ती इन 1993। सो मेक श्योर कि आपको ये चीज़ें पता हो। बीच में इससे रिलेटेड बहुत बवाल हुआ था, वो सारी स्टोरीज आपको उतनी जानने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एजेंडा ये सब रहता है, लेकिन आपको उतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतनी ही बातें जाननी थी, ओके। एंड दिस इज फॉर इट, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा लड़ाई वड़ाई मत करना कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, यू ऑल आर वेरी लिटरेट पीपल। थैंक यू एवरीबॉडी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड ईच एंड एवरी सिंगल टाइम आई विल बी ऑनलाइन। मैं आपको ऐसे ही वीडियोज के साथ और भी मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड पीस आउट।